सर्वप्रथम हम अपने बिहार स्टेट के भाइयों और बहनों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और थैंक यू सो मच बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे वीडियो को बहुत ही सपोर्ट किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है। तो इसी बेस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वन पेपर फर्स्ट के तहत आने वाले टॉप 7 सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, एक एक सब्जेक्ट का देखेंगे। दोस्तों ओवरऑल पोस्ट की बात करूं तो 25,270 वैकेंसी निकली थी पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें 5,054 पोस्ट है। तो मैथ के पेपर लेवल को जान लेते हैं सबसे पहले। तो मैथ का पेपर लेवल था इजी क्वेश्चन 35%, मॉडरेट क्वेश्चन 35% एंड हार्ड क्वेश्चन 30%। तो दोस्तों इसी बेस को ध्यान में रखते हुए हम यू आर मेल के लिए बोल सकते हैं कि 94 में 94 से 100 नंबर पर्याप्त होंगे सिलेक्शन के लिए। फीमेल की बात करें 88 से 90 फीमेल के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर होगा सिलेक्शन हेतु। ओबीसी के जो मेरे भाई बहन है उनके लिए 90 से 94 मेल के लिए एंड ओबीसी फीमेल के लिए 83 से 84 नंबर ही सफिशियंट होंगे। दोस्तों इस वीडियो की खासियत यह है कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको आज के बाद किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वाइज क्लियर मैं रिस्पॉन्स दूंगा आपको, तो बिना स्किप किए हुए बने रहिए अंत तक। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, तो देखते हैं। फॉलो करें हमको ऑफिशियल वेबसाइट www.gkeducation.com को, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर आपको मिल जाएगी एजुकेशन के साथ टॉप ट्रेंडिंग न्यूज एंड लेटेस्ट न्यूज जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। सो आज ही जुड़ जाएं। दोस्तों जुड़ने के लिए बहुत ही सिंपल माध्यम है, आप हमें यहां से फॉलो कर सकते हैं और यहां से सब्सक्राइब करके ईमेल नोटिफिकेशन गेट ईमेल नोटिफिकेशन। सो जरा ठहरिए, स्किप करने की भूल ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए हिंदी जिसमें 3,000 पोस्ट हैं, इसके पेपर लेवल की बात करूं तो यहां पर आपके 40% इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन 35% एंड हार्ड क्वेश्चन का लेवल था 25%। तो इसी बेस को ध्यान में रखते हुए जो हिंदी यू आर मेल के लिए सेफ स्कोर हो सकता है 82 से 88 एंड फीमेल के लिए 78 से 80 का स्कोर बेस्ट सफिशियंट होंगे सिलेक्शन लेने के लिए। ओबीसी के जो भाई बंधु हैं उनके लिए 78 से 82 मेल एंड 75 से 76 फीमेल के लिए सेफ स्कोर होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप 3 चीजें सपोर्ट करें, 20,000 का टारगेट व्यूज का एंड लाइक का 200 एंड शेयर का 200 मैक्सिमम सपोर्ट दे सकते हैं दोस्तों, यदि वाकई आपकी हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लग रही है। और दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि 95% आपका कट ऑफ यही जाने वाला है ऑफिशियल। ओके सो देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों, जो संस्कृत। ओके संस्कृत की बात करें तो यहाँ पर 1,054 पोस्ट निकाली गई थी और इसके पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल आपका था 32% इजी क्वेश्चन, 32% मॉडरेट क्वेश्चन एंड 36% हार्ड क्वेश्चन थे। तो कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं जाएगी। मेल यूआर के लिए 92 से 96, फीमेल के लिए 85 से 88 यूआर में बेस्ट सफिशियंट मार्क्स हैं सिलेक्शन लेने के लिए। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं क्योंकि वहां भी मैं जो भी वीडियो यहाँ पे कट ऑफ का बनाता हूँ वहां पर आपको पोस्ट दे देता हूं, तो आप वहां से बढ़िया तसल्ली से देख सकते हैं। तो विजिट करिए www.gkeducation.com को और पाए लेटेस्ट जानकारी एजुकेशन न्यूज। ओके सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पार्ट में, मिलेगा पेपर 2 के सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ को। तो इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी के साथ अपडेट पाने के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसपे 5,054 पोस्ट निकाली गई थी और ये वो पोस्ट है जहां मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी, कंपटीशन यहीं पर है तगड़ा। दोस्तों पेपर लेवल की बात करें तो यहां पर पेपर लेवल था आपका 38% इजी क्वेश्चन, 38% मॉडरेट क्वेश्चन, 24% आपका हार्ड क्वेश्चन था। क्लियर, इसी के बेस को ध्यान में रखते हुए जो फीमेल यू आर की कट ऑफ हो सकती है 92 से 96 एंड मेल यू आर के लिए 98 से 104 का कट ऑफ ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ओबीसी मेल के लिए 94 से 97 एंड फीमेल ओबीसी के जो बहने हैं उनका 87 से 89 मार्क्स ही सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। और दोस्तों डिफरेंस हो सकता है +2 -2 का, ओके इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, पूरा उम्मीद है क्योंकि बहुत ही एनालिसिस किया है वेबसाइट यूट्यूब कमेंट्स, मतलब 5 दिनों से मैं
पूरा एनालिसिस कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, वरना ये वीडियो बहुत पहले ही आ जाती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश में 5054 पोस्ट है, और पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल आपका था 34% इजी, 35% मॉडरेट एंड 41% हार्ड क्वेश्चन थे। तो यू आर मेल के लिए 83-90 एंड फीमेल के लिए जो सेफ स्कोर होगा वो 78-82 मार्क्स ही आपको सिलेक्शन दिला देंगे इंग्लिश में। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ईबीसी के बीच में जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा, यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाले। ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईबीसी 2-4 नंबर का डिफरेंस हो सकता है अदर कैटेगरियों के बीच में, बाकी एससी एसटी भी फाइट में लड़ेंगे आपस में। ओके, सो ये रहा इंग्लिश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस, मोस्ट इंपोर्टेंट, 5054 पोस्ट थी, और इसके पेपर लेवल की बात करें तो यहाँ पर 40% इजी क्वेश्चन, 30% मॉडरेट क्वेश्चन एंड हार्ड क्वेश्चन 30%। इसी बेस पर हम बोल सकते हैं कि मेल यूआर के लिए 93-97 एंड फीमेल के लिए 86-88 मार्क्स सफिशियंट होने वाले हैं। ओबीसी की फीमेल की कैंडिडेट को 82-84 एंड ओबीसी मेल के लिए 90-92 मार्क्स ही सिलेक्शन दिलाएंगे साइंस में। ओके, तो दोस्तों स्क्रीन शॉट लेते जा रहे होंगे मुझे उम्मीद है, यदि नहीं लिया तो आपको पोस्ट मिल जाएगी थोड़ी देर बाद आपको मेरे वेबसाइट पर। ओके, शो मैं वहां भी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ, तो उससे जरूर जुड़ जाए, वहां पर आपको लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट एजुकेशन, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब सारी जानकारियां मिल जाती है बिल्कुल डेटा एनालिसिस के साथ। सो उर्दू नेक्स्ट सब्जेक्ट है, 1000 पोस्ट निकाली गई है, इसके पेपर लेवल को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो पेपर लेवल था 42% इजी क्वेश्चन, 36% मॉडरेट क्वेश्चन एंड 22% हार्ड क्वेश्चन। मेल यूआर के लिए 93-98, फीमेल यूआर के लिए 86-88 एंड ओबीसी के भाई बंधु के लिए मेल में 89-91 एंड फीमेल है तो 82-83 ओबीसी में मार्क्स जरूरी है उर्दू में सिलेक्शन लेने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओवरऑल मैं पेपर की बात करूं एवरेज, तो ओवरऑल बिहार स्टेट का पेपर वन 36% इजी क्वेश्चन, 40% मॉडरेट क्वेश्चन एंड 24% हार्ड क्वेश्चन थे। ये दोस्तों रहा ओवरऑल टॉप 7 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर लेवल। तो दोस्तों मैंने लेवल वाइज आपको कट ऑफ बता दी है, वीडियो हो चुका है समाप्त, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें घंटी के साथ, और हमारी ये प्रेडिक्शन आपको कैसी लगी कमेंट में मेंशन ना करना भूले, और आपने कितना स्कोर किया क्योंकि मैं वहां पर आपको फटाफट रिप्लाई देता हूं, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं या तो आप मेरी वेबसाइट में जा करके आप कमेंट कर देंगे तो वहां पर मैं आपको फास्ट रिप्लाई करता हूं। तो आज ही जुड़ जाए हमारी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से www.gkeducation.com। ओके, सो मिलते हैं प्यारी वीडियो के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दोस्तों बात करें बिहार स्टेट के रिजल्ट की, तो आपका रिजल्ट जो है आपको फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के पहले हफ्ते तक देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है। दोस्तों कोई परेशानी बात नहीं, आपको फरवरी के लास्ट वीक या मार्च के पहले हफ्ते तक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर, चलिए।